बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। रेलवे स्टेशन के कोने में गूंजती वो जादुई आवाज आप सभी ने सुन ली होगी। इस आवाज को सोशल मीडिया ने ऐसी पहचान दिलाई है कि आज इस आवाज की मालकिन स्टार बन चुकी है। इसके चर्चे चारों तरफ हैं और अब तो वो बॉलीवुड में बतौर प्लेबैक सिंगर के तौर पर डेब्यू भी कर चुकी हैं। ये आवाज रानू मंडल की है। रानू ने यूं तो ढेरों इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने बॉलीवुड कनेक्शन के बारे में बताया है। इस कनेक्शन को जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। उस वक्त तो शायद रानू को भी अंदाजा नहीं था कि वो इतनी बड़ी स्टार बन जाएगी। रानू ने अपनी लगभग एक दशक की जिंदगी गरीबी के हालातों में गुजारी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हुनर कभी छिपता नहीं है। आखिरकार आज लोग उनकी आवाज को पहचान चुके हैं। रानू ने नव भारत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि वो बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के घर का काम किया करती थी। रानू ने इस इंटरव्यू में बताया कि उन्हें जाने माने अभिनेता फिरोज खान के घर में नौकरी मिली थी। रानू फिरोज खान के घर में ही काम करती थी। वो उनके घर पर खाना बनाती थी, झाड़ा पोछा करती थी। रानू ने बताया कि इन सभी कामों के अलावा वो फिरोज खान, उनके बेटे फरदीन खान और भाई संजय खान का भी ध्यान रखती थी। उनकी जरूरत की चीजों, खाने और सोने जैसे कामों पर वो लगातार लगी रहती थी। रानू मंडल का ये बॉलीवुड कनेक्शन वाकई दिलचस्प था और उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी स्टार बन जाएंगी। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई इसे लाइक एंड शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।